So, hey guys, all, channel, तो ये गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल झारखंड लैब तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी कि चांसलर पोर्टल से ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअ कर रहे होंगे और आपको पता है कि ग्रेजुएशन अब चार साल का हो गया जो कि तीन साल का पहले वो करता था अब तीन साल का नहीं होगा अब उसे चार साल का कर दिया गया है तो अभी बहुत सारे बच्चे ये जब फॉर्म फिलअप करने जा रहे होंगे ऑनर्स चूज कर रहे होंगे या फिर और भी कुछ चूज कर रहे होंगे सब्जेक्ट नॉट फाउंड या फिर ऐसा कुछ एरर आपको तो मिल रहा होगा मैं बता रहा हूँ वीडियो में ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टेप का आपको भी एक एरर शो हो रहा होगा ठीक है कि सॉरी नो सब्जेक्ट मैपिंग फाउंड क्लोज करके ये वाला एरर ठीक है इसको कैसे फिक्स करना है और क्या करना है आज की डेड बताऊंगा तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले सिंपली आप लोग को जो गैस यहाँ पे चांसलर प्रोडक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जानी है उससे पहले आप लोग को झारखंड लैब डॉट कॉम सर्च कीजिएगा झारखंड लैब डॉट कॉम जैसे ही सर्च कीजिएगा आप लोग ठीक है आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग अगर झारखंड लैब सर्च करते हो ठीक है आप लोग सबसे पहले झारखंड लैब ही सर्च करना क्योंकि आप लोग झारखंड लैब सर्च करोगे उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे वहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा ठीक है झारखण्ड लैब डॉट कॉम आप लोग सर्च कीजिएगा फिर यहाँ पे आइएगा ठीक है वैसे आप लोग चांसलर पोर्टल में भी डायरेक्टली जा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं जहाँ से आप करना चाहो आप तो कर सकते हो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है आप यहाँ पे आप ही आकर के जा सकते हो या फिर यही आप लोग वेब का कोई फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो वैसे किसी भी कॉलेज का झारखंड में भरना चाह रहे हो यू का अंडर ग्रेजुएशन का तो आप यहाँ से आकर के फॉर्म को फिलअप मतलब यहाँ से आप क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हो यहाँ पे क्लिक करोगे आप सिंपली चांसलर पोर्टल पे यहाँ पे लैंड कर जाओगे एंड देन उसके बाद आप लॉग इन कर लेना लॉग इन करने के बाद क्या आप लोग को यहाँ पे आना सब्जेक्ट जहाँ पे आप लोग डिसिप्लिन अपना चूज करोगे ठीक है ये मतलब डिसिप्लिन चूज करोगे मतलब अप्लाई फॉर डिसिप्लिन मतलब आप लोग जो कि ऑनर्स लेना है जो सब्जेक्ट लेना है उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो अब जो है ऑनर्स या फिर जनरल आपका काम नहीं करेगा ठीक है ये दो ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं आपके लिए आप लोग सिंपली यार दो ऑप्शन नहीं तो ऑनर्स

चेपर के साथ आप लोग को डिग्री मिलेगा चार साल में फुल्ली ठीक है तो आप लोग को जो रेगुलर अब चूज करना है रेगुलर चूज करके अब आपको फॉर्म को फिल अप करना है उसके बाद आप लोग को जो भी यहां पे मिलेगा नेचुरल साइंस में तो नेचुरल साइंस में देख लेना कि क्या-क्या सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं ये देखो ये मतलब साइंस वालों जैसे कि कोई अगर साइंस के साथ करना चाह रहा है जैसे कि बहुत सारे पहले करते थे बीएससी वगैरह करते थे आप यहाँ से कर सकते हो ठीक है और उसके बाद आप लोग अगर ह्यूमैनिटीज़ कर रहे हो तो आप लोग देख लेना कि मतलब ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं ये आर्ट्स वालों सेक्शन के लिए हो सकता है ठीक है उसके बाद आप लोग सोशल साइंस में आ जाओगे तो सोशल साइंस में भी देख लेना यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटीज में नहीं मिलेगा देखने को ठीक है लाइक यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऑफर है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सोशल साइंस में आओगे सोशल साइंस में भी कुछ अलग यहाँ पे दिख जाएंगे इकोनॉमिक्स वगैरह मतलब सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट ऑफर होता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा ठीक है मतलब एस एस टी समझ लो तो आप लोग का फिर कॉमर्स में आ जाएगा तो कॉमर्स आपको पता है कि वही सब कॉमर्स में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से आपको रेगुलर पे आकर अब अपना फॉर्म को फिलअप करना है अब जो है क्योंकि ग्रेजुएशन चार साल का हो गया तो आपको उस तरह से करना है तो रेगुलर में आ जाना है कॉमर्स में मान लो अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे आपको वो सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पे देखो मेजर सब्जेक्ट जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस हम लोग अपन लोग का होगा फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा फिर हिंदी होगा ठीक है ये तीन सब्जेक्ट होंगे हम लोग का तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप करोगे उम्मीद है कि आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही होगी ये जो आप लोग पहले फेस कर रहे थे ये वाला ऑनर्स में आकर के कि आ, सब्जेक्ट नॉट मैम मैपिंग का तो अब ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा अब आप लोग जाइए वेट मत कीजिए मैं भी पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैंने आज ही पता किया ठीक है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ ठीक है तो ये चीज़ें हैं फॉर्म भरने का इस बार का प्रोसेस अब नेक्स्ट ईयर से भी इसी तरह से होगा इस बार से सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए वो फॉर्म को फिलअप कर लेंगे एंड अब जो भी मतलब बहुत सारे लोग नहीं फॉर्म को फिलअ कर पा रहे वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर चांसलर फोर्ड में कुछ गड़बड़ी है अपडेट होने दो अपडेट होने दो तो यार गड़बड़ी कुछ नहीं है यहाँ पे चार साल की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है ठीक है प्रॉब्लम नहीं है मतलब चार साल को हो गया इसलिए लोग अपना रूल्स को चेंज कर दिए हैं सो आप लोग जाओ अपने कैफे वगैरह में फिलअप करो या फिर अपनेस कर रहे हो तो अपनेस करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है कुछ भी गड़बड़ होता है आप अपने कॉलेज से जिस भी कॉलेज को फॉर्म फिलअप कर रहे हो उससे उनसे कांटेक्ट करो ठीक है आपका फॉर्म ठीक कर लिया जाएगा फिर एडिट वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है इस साइड में ठीक है चेंज रिक्वेस्ट में आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चेंज रिक्वेस्ट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे एप्लीकेशन नंबर डालोगे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा उसके बाद आप लोग चेंज रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हो ठीक है होप गाइस की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स को नहीं पता ये सारी चीजें उनको पता चल जाए और वो लोग जो टाइम रहते हैं अपना फॉर्म को फिलअप कर ले ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज